ओम नमः शिवाय हर हर। बच्चों को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इतनी कड़कती धूप में एक माँ अपने बच्ची को यहाँ पे एग्जाम दिलवाने आई है, तो उनके अंदर भी एक थॉट होगा कि उनकी बच्ची जो है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सके। तो आइए आज हम जानते हैं कि एग्जाम के दौरान उनके पेरेंट्स की क्या ओपिनियन रहता है और प्रिपरेशन में वो कितना हेल्प करते हैं अपने बच्चों को। तो मैम, आप कहाँ से आई और आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम वर्मा है, हम चकिया चंदौली से आए। तो मैम, आपकी बेटी जो है वो यहाँ एग्जाम देने के लिए आई है। मैम, आपने देखा होगा कि जब वो प्रिपरेशन कर रही है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। मैम, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि अगर तुम्हें नीट करना है तो नीट ही करना है, जेई करना है तो जेई ही करना है। तो मैम, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे को जो हॉबी है, जहाँ वो पढ़ना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, जो कॉलेज चुनना चाहते हैं, उसमें वो अधिक उत्साहित रहते हैं और उसी में वो अपना भविष्य बनाते हैं। मैम, आज आप भी अपना सारा काम वगैरह छोड़ के अपनी बच्ची को यहाँ पे एग्जाम दिलवाने आए हैं। मैम, आपका भी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि वो अच्छी जगह जाए, तो मैम आप क्या चाहती हैं कि उनको कौन से कॉलेज मिले, आपका कुछ ओपिनियन? मैं तो चाहती हूँ BHU मिले। BHU सबसे बेस्ट है। मेरा तो मानना है दिल्ली से भी बेस्ट BHU है। मैम, ऐसा कोई आपका ओपिनियन BHU से रिलेटेड, क्यों आप BHU को इतना बेस्ट मानती हैं? BHU बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, बिल्कुल हमें बहुत आकर्षित करती है और बहुत अच्छा लगता है BHU। जैसा कि मैम ने बताया कि जो बनारस है वो स्पिरिचुअलिटी प्लस मॉडर्निटी का एक पूरा एरिया ही है, तो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चे के अगल बगल का जो एनवायरमेंट हो वो बिल्कुल वैसा ही हो। तो मैम भी चाहती है जो मैम की बेटी है वो BHU में ही एडमिशन प्राप्त करे, एंड आई विश मैम की आपकी जो बेटी है वो BHU में एडमिशन प्राप्त करे। मैम, आप कुछ सजेशन देना चाहें कि जैसे आप अपने बच्चे को यहाँ तक लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो और सारे पेरेंट्स को आप मोटिवेट करना चाहें कि आपके जैसे ही वो लोग भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए मेहनत करें। मैम, कुछ ऐसा सजेशन आप देना चाहें पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स को चाहिए कि हर फील्ड में अपने बच्चे को सपोर्ट करें और बच्चे जैसा चाहते हैं पढ़ने के लिए जो चाहते हैं उसमें बच्चे अपने अच्छा करियर बनाते हैं, और गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चे को पूरी तरह से सपोर्ट करे, चाहे वो मदर हो या फादर हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बेटी यहाँ एग्जाम देने आई है, तो मैम एक ऐसा सोसाइटी में थॉट बन चुका है लोगों के अंदर कि जनरली ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों की शादी का थॉट आने लगता है सब पेरेंट्स के अंदर, तो मैम इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या इसे कम करने की आवश्यकता है? ये गलत है, ये पहले की धारणा थी, लेकिन अब ये नई जनरेशन में अब लड़कियों की शादी 28 तो हो ही जाता है मैक्सिमम, उस टाइम तक लड़की अपने पैर पर खड़ी हो जाती है और अपना अच्छा बुरा अपना भविष्य सब सोचती है। बिल्कुल, और मेरा यह मानना है कि लड़की जहाँ कहेगी शादी करने के लिए मैं भी शादी कराऊंगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हमारे साथ बैठी हुई है इनका एक बहुत ही अच्छा थॉट है अपने बच्चों को लेकर। मैम, आप अपना कुछ भी अपनी बच्ची से के लिए या फिर किसी अदर स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे कि जो इस टाइम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, अगर हम पास नहीं हुए तो क्या होगा? तो आप कुछ बताना चाहें उस चीज पे? रास्ते किसी भी मायने में बंद नहीं होती, रास्ते तरक्की के हर जगह खुले रहते हैं, बस बच्चे को आत्मविश्वास से परीक्षा देना चाहिए और पूरा विश्वास रहना चाहिए कि हम जरूर पास होंगे। रास्ते बंद कभी नहीं होते हैं, एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुलता है, हार नहीं मानना चाहिए बच्चों को। आंटी ने खुद बताया है कि डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को, तो थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमें एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, थैंक यू। आप आई विश कि आपकी जो बेटी है वो हमारे साथ ही, क्योंकि हम भी एक BHU के स्टूडेंट है, तो हमारे साथ ही वो दिखे हमारी सीनियर बन। थैंक यू सो मच।